Yes. I respect you. I'll look into it. Tell me. Tell us. Don't be. Tell him. Go on, little. Yogiji, we all respect you. Please, if he's, we shall certainly look into it, I tell you. अच्छा मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादे पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा, मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। एक सदस्य ने सुबक सुबक के वो रो रहे थे, सोमनाथ दादा यहां इसी चेयर पे बैठे थे और वो सदस्य कह रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रही है, मुझे झूठे मुकदमों में फंसा रही है, मुझे गलत मुकदमों में फंसा के जेल भेज रही है। बदकिस्मती से आज वही सदस्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के कहते हैं कि बदला लिया जाएगा, जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे आपने पुलिस को उकसाने का काम किया, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा जो है पुलिस की गोली से निर्मम लोगों की हत्या की गई है, आप ऐसी पुलिस बनाना चाहते हैं? मैं पुलिस सिस्टम उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, पुलिस अच्छी होती है लेकिन उसके जो आका होते हैं राजनीतिक आका, उसको उनका ऑर्डर मानना पड़ता है। यही दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल हो जाती है जब दूसरी सरकार होती है, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत प्रोफेशनल हो जाती है जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती है, कहीं कोई परिंदा पर नहीं मानता, लेकिन वही पुलिस मेरठ के अंदर पुलिस अधिकारी कहता है उन आंदोलनकारियों से जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे कि जाओ पाकिस्तान में जाकर आंदोलन करो, शर्म आती है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों से, ऐसी सोच रखने वालों से कि जिनको आप कह रहे हैं पाकिस्तान में जाकर आंदोलन करो, मैं कहना चाहता हूं जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो उनके पुरखों ने मजहब की बुनियाद पे बनने वाले मुल्क को अपना मुल्क नहीं माना था, उनके पुरखों ने जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, जो महात्मा गांधी को अपना लीडर मानते हैं, जो अंबेडकर को अपना लीडर मानते हैं, जो मौलाना आजाद को अपना लीडर मानते हैं, उन्होंने उनको अपना लीडर माना, इस मिट्टी को अपना वतन माना, उनकी देशभक्ति पर आप सवालिया निशान नहीं लगा सकते। माने सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो लोग यहां पर बाय चॉइस हैं, बाय कंपल्शन नहीं है, उनको चॉइस दी जा रही थी उस वक्त कि आप मजहब के आधार पर बनने वाले मुल्क में रहना पसंद करोगे या सेकुलर मुल्क में रहना पसंद करोगे, तो हमारे पुरखों ने सेकुलर मुल्क में मिली जुली संस्कृति के वाले मुल्क में रहना पसंद किया, एक मजहब के आधार पर बनने वाले मुल्क में रहना पसंद नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आजादी के नारे लगेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा,
मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां भी आजादी का नारा लगाना चाहता हूं, आजादी चाहिए, भूख से आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, सरकार की दमनकारी नीतियों से आजादी चाहिए। मान्यवर, कोई परमानेंट नहीं होता, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, चौकीदार हैं कोई ज्याती मकान थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट आए हैं, आपको तो इनको तो इनका भी हिस्ट्री नहीं मालूम। माननीय सभापति महोदय, इनको तो इनकी भी, ये अपने नेताओं की हिस्ट्री भी नहीं जानते। अभी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी, आजकल जितने आंदोलन देश, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, आज जितने आंदोलन देश भर में हो रहे हैं वहां पर एक क्रांतिकारी नज़म पढ़ी जाती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन शायर ने वो नज़म लिखी थी, उनके बहुत बड़े फैन थे फैज अहमद फैज के। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन जिसका वादा है, वो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गारा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। ये वो फैज अहमद फैज की नजम है जिनसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार विदेश मंत्री बनकर के जब पाकिस्तान गए थे तो प्रोटोकॉल तोड़ करके फैज अहमद फैज से मिल करके आए थे, और इनके मुख्यमंत्री, इनके नेता कहते हैं कि अगर ये नजम पढ़ोगे तो आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। माने सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कर्नाटक के अंदर, बीदर के अंदर जिस तरीके से एक नाटक के मंचन पे चौथी क्लास के बच्चों को बुला करके थाने में बिठाया गया रात भर, उन बच्चों की मां को, उन बच्चों की टीचर को एक नाटक प्ले कर रहे थे खाली, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल भेजने का काम कर्नाटक की सरकार ने किया। ये ऐसा देश हम नहीं चाहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि एनपीआर के साथ असहयोग आंदोलन जारी रहेगा, हम ना सीएए मानेंगे। धन्यवाद।